हर हर महादेव श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी है, साथ ही में है कृष्ण जन्म अष्टमी। दुर्लभ योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, हर मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए इस उपाय को जरूर कर दीजिए। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ साथियों कि गुजरात में सावन अभी चल रहा है, जो सोमवार की अष्टमी 26 तारीख को समाप्त होगा, यानी कि सावन का भी लाभ हमें जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि गुजरात में सावन हमारे सावन से 15 दिन बाद लगता है। 72 वर्ष बाद जो सावन आया है, सोमवार से प्रारंभ, सोमवार पर ही समाप्ति, इसका अचूक लाभ आपको अभी भी प्राप्त होगा, इसलिए आप इस उपाय को करना ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही अद्भुत उपाय बताया है, जरूर करें। हमें क्या करना है, किसी भी छोटे पौधे के नीचे हमें शिवलिंग का निर्माण करना है, जो हमारे घर में हो, गमला हो, उसी में। ध्यान रहे बस तुलसी का नहीं हो, इसमें हमें छोटा सा शिवलिंग बना देना है। आप झलाधारी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, साथ ही में दूध दही से आप अभिषेक कर लीजिए। जो सामग्री आपके पास है आप उसी से ही अभिषेक कर लीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी है, अगर आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन से भी अभिषेक कर सकते हैं। जब आपका अभिषेक संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आप चंदन, अक्षत, मौली, अबीर, गुलाल अर्पण करते हुए भगवान का अच्छे से ध्यान करिए। साथ ही में आप अपनी मनोकामना भी बोलते रहें कि बाबा मेरी यह कामना है, आप इसे जरूर पूरा करो। गुजराती जो सावन चल रहा है, साथ ही में सोमवार की अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अचूक लाभ आपको जरूर होगा। जो मांगोगे आपको जरूर मिलेगा। झोली पसार करके विनती करें, नाम व गोत्र बोलें, और जब आपका दीपक मंगल हो जाए, जो दीपक लगाया है, जब दीपक मंगल हो जाए, उसके बाद शिवलिंग को अपनी जगह से थोड़ा सा उठा करके गमले में ही विसर्जित कर दें। तो ये छोटा सा उपाय है, आप जरूर करके देखें, पूरा परिवार खुश रहेगा, मन वांछित फल की प्राप्ति जरूर होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।